बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट्स इशू कर दिए, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 BA BSc। जिन लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, काइंडली आप लोग आके BA BSc Part 1 और BA BSc Part 2 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 ये आप लोग अपना रिजल्ट आके यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ मेरा व्हाट्सएप ओपन है, जो कि मेरा बिजनेस अकाउंट है, मेरी अकेडमी का QMW एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों के साथ मैं अपना सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट शेयर कर देता हूं, मेरे स्टूडेंट्स का, जिन लोगों ने दिसंबर में हमसे क्लासेस ली, कितने लोग पास हुए, जिन लोगों ने रिजल्ट शेयर किए, कितने लोग पास हुए, कितने लोगों की दोबारा सप्ली आई, रीजंस क्या थी, आप लोगों को वो भी बता देता हूं। इसके साथ ही आप लोगों को बताता चलूं कि हमारा जो एनुअल 2022 का रिजल्ट है, उसकी भी वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी मेरे इसी वीडियो के। अगर आप लोग भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, मोस्ट वेलकम। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, 03099809208, यहां पे भी नंबर मेंशन्ड है। आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे से इंशाल्लाह ताला क्लासेस का आगाज होगा। इसके साथ आप लोगों को मैं अपने ग्रुप्स ओपन करके चेक करवा देता हूँ स्टूडेंट्स के रिजल्ट। दिसंबर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, दिसंबर में मेरे पास दिसंबर बॉयज 1, दिसंबर बॉयज 2, गर्ल्स 1 एंड गर्ल्स 2, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं जी। यहाँ पे हम ग्रुप ओपन करते हैं दिसंबर गर्ल्स 1 का, ये हमारे पास ग्रुप है, इसे हमने ओपन किया और इसके मीडिया में चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप क्रिएटेड कब है, 10/12/2022 8:19 मॉर्निंग में, 10 दिसंबर 2022 को ये ग्रुप बनाया गया, कासिम वटूज क्लास। ये यहाँ पे एक शेड्यूल्ड जूम मीटिंग होती है जो हम शेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि यहाँ पे वो क्लास अटेंड कर सकें। मीडिया में हम जाएंगे, यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट हमारे साथ शेयर किए, ये मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक रिजल्ट है रिदा शहजादी का, इसके इंग्लिश लैंग्वेज में 44 मार्क्स हैं। अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकें तो इनके इंग्लिश लैंग्वेज में 44 मार्क्स हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में 48 मार्क्स हैं, महक उमर का। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है रिजल्ट जिनमें 47 मार्क्स हैं, फातिमा असलम। इसके बाद हमारे पास पार्ट वन में रिजल्ट मौजूद है जिनके 50 मार्क्स हैं, हुबैशिया फैसल। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मौजूद है अक्षा का, और इस मेरी बहन के यहाँ पे 33 मार्क्स हैं। ये आपको मैंने पार्ट वन के जिन लोगों ने रिजल्ट शेयर किए, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जिन लोगों ने रिजल्ट शेयर किए। बाकी स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आए हुए कि सर पास हो गए, सारा कुछ। फिर इसके बाद हम गर्ल्स पार्ट टू का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स पार्ट टू का ग्रुप है, इसे ओपन करते हैं, इसके भी हम मीडिया में चले जाएंगे। ये भी 10 दिसंबर 2022 को ग्रुप बनाया गया। ग्रुप के हम चैट में जाते हैं, यहाँ पे दिस मंथ में जो रिजल्ट शेयर किए गए, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे रिजल्ट है जी इंग्लिश लैंग्वेज में 42 मार्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसके बाद यहाँ पे अक्सर फाकत का रिजल्ट है जिसमें इंग्लिश में इनके अल्हम्दुलिल्लाह 53 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हुमा खलील का रिजल्ट है जिसमें माशाल्लाह से 45 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनिला बुखारी का रिजल्ट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 46 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इकरा अरशद का रिजल्ट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 41 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनिला मुबारक का रिजल्ट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनके 45 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इधर सना बाबर का रिजल्ट है जिनकी सप्ली आई है। सप्लीज क्यों आई है स्टूडेंट्स की, ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिजल्ट क्लियर हो ले। इसके बाद हमारे पास आयशा जफर का रिजल्ट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके 33 मार्क्स हैं और रिजल्ट इनका क्लियर है, जिनका लास्ट चांस था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है 36 मार्क्स हैं इनके, अलम रशीद। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है जिसमें स्टूडेंट के 33 मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम बॉयज के रिजल्ट्स देखते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला बीएससी के रिजल्ट देखेंगे। दिसंबर बॉयज 1 स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने रिजल्ट शेयर किए हैं ऑब्वियसली मैं आप लोगों को वो दिखा सकता हूँ। ये भी 10 दिसंबर को क्रिएट किया गया। इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट्स मौजूद हैं। मोहम्मद काशिफ का रिजल्ट है, इसका लास्ट चांस था, 33 मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है जिनकी सप्ली आई है दोबारा, ये दोबारा दो जो रिजल्ट हैं वो रिपीट किए गए, हाफिज अली महमूद, इनकी यहाँ पे दोबारा सप्ली आ गई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बता दूंगा रीजंस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे BA Part 2 है बॉयज का ग्रुप, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसमें भी हमें दो रिजल्ट्स शेयर किए गए हैं जिसमें एक स्टूडेंट के 41 मार्क्स हैं काशिफ अली, और एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, इनकी भी सप्ली है, ये मोहम्मद नदीम भट्ट। तीन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है, मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर किए बीए के, जिनमें से तीन की सप्ली है और बाकी दो स्टूडेंट्स हैं जिनके 33 मार्क्स हैं, बाकी सबके 40 प्लस मार्क्स हैं। इसके बाद और ये मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो के लास्ट चांस वाले होते हैं।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बीएससी इंग्लिश गर्ल्स हैं, बीएससी इंग्लिश गर्ल्स का ग्रुप है, इसकी भी हम ओपन करेंगे मीडिया। और ये वाला ग्रुप भी 19 दिसंबर 2022 को बनाया गया, यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे मेरे पास तैयारी करने वाले, ये सारे सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स थे, इनके इंग्लिश बीएससी में 36 मार्क्स है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बीएससी इंग्लिश में 33 मार्क्स हैं, और इसके बाद जो रिजल्ट है इसमें 38 मार्क्स हैं। अब इसके बाद जो बॉयज वाला ग्रुप है बीएससी का, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बॉयज के हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट शेयर किए गए, जिसमें मोहम्मद जैन जिनके 34 मार्क्स हैं, और मोहम्मद रियाज जिनके 33 मार्क्स हैं। ये मैंने आपको उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर कर दिए जिन लोगों ने रिजल्ट्स मेरे साथ अपने शेयर किए हुए थे, मैंने आप लोगों को दिखा दिए रिजल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, मैंने कुछ 20-25 स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर किए, क्योंकि सप्लीमेंट्री में स्टूडेंट्स वैसे ही कम थे जो तैयारी कर रहे थे, उनमें से मैंने 20-25 लोगों के रिजल्ट जिन लोगों ने सेंड किए, मैंने आपको व्हाट्सएप अपना ओपन करके, मीडिया ओपन करके जो रिजल्ट मेरे पास आए हुए हैं वो शो करवाए। मेरे स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर आपकी एकेडमी है, आप पढ़ाते हैं, आप क्या करते हैं, मैंने वैसे आपको रिजल्ट की सिर्फ पिक्चर्स नहीं दिखाई, बल्कि मैंने आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करके, अपने ग्रुप्स ओपन करके, ग्रुप्स की मीडिया में जाके आपको मैंने रिजल्ट शेयर किए। और मैं स्टूडेंट्स की आपको चैट्स भी दिखा सकता हूं, स्टूडेंट्स की जो चैट है जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और उसके बाद उन स्टूडेंट्स ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि सर आपने तैयारी करवाई, हमारे लास्ट चांस थे और क्लियर कर गए। मैं आपको जरूर शो करवा देता लेकिन नंबर शेयर हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स गर्ल्स होती हैं हमारे पास जो प्राइवेट पढ़ रही होती हैं, क्योंकि घर में बैठ के गर्ल्स ही ज्यादातर पढ़ती हैं, बॉयज एकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं या कोई ना कोई अपने सोर्सेज बना लेते हैं, इसलिए नंबर हम शेयर नहीं कर सकते किसी का भी पब्लिकली, ठीक है। तो ये थी, मैंने जो आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली दोबारा आती है, सप्ली क्यों आती है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि मेरे अगर 3-4 स्टूडेंट्स की सप्ली आई है, उनकी सप्ली क्यों आई, या अगर ओवरऑल वैसे स्टूडेंट्स की सप्ली आती है तो उनकी सप्ली क्यों आती है, इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप लोगों को उस पे वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि स्टूडेंट्स की सप्ली क्यों आती है, इसमें स्टूडेंट्स का क्या नेगेटिव पॉइंट होता है, और इसमें यूनिवर्सिटी वाले क्या नेगेटिव रोल अदा करते हैं, इंशाल्लाह ताला सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग, मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो अकेडमी पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। हमारा इंशाल्लाह ताला सेशन इंशाल्लाह ताला मंडे से स्टार्ट होगा, 22 मई 2023 से, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में अभी भी कोई डाउट्स हैं कि पता नहीं अकेडमी है या नहीं, क्योंकि फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ, फ्रॉड हो जाते हैं, या तैयारी ठीक करवाते हैं या नहीं करवाते, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लगाए हुए हैं। मुझे यहाँ से कुछ 3 महीने पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आया दिसंबर में, 4-5 महीने में पीछे जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को रिजल्ट का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे भी आके हमारे एनुअल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, जिनके एनुअल के रिजल्ट आए थे, उसमें मैंने कुछ 60-70 स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर किए हुए। यहाँ पे जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकेडमी का रिजल्ट, इसमें मैंने ये 13 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, और इसमें मैंने अपने सारे एनुअल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर किए हुए, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ये वीडियो है जिसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, मैंने स्टूडेंट्स को बताया था एकेडमी के बारे में और सारी चीजों के बारे में, आप ये वाली वीडियो आके चेक कर सकते हैं, जो कि 5 महीने पहले की बनी हुई है, ठीक है। तो अब इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स के कोई सवाल हैं, मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप लोग कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें, या कोई आपकी अपना ओपिनियन हो आप वो दे सकते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।